नमस्कार क्या हाल चाल आप सभी का आप सभी का स्वागत है आपका अपने पैरस यूट्यूब चैनल ठाकुर सर मैथ्स पे कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों काफी लंबे टाइम के बाद आज हम आपके सामने हाजिर हुए हैं प्यारा सा सेशन लेकर के जो सेशन आपके सामने मैं लेके आया हूं ये सेशन खासकर उन बच्चों के लिए है जो इस बार सेमेस्टर वन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं सेमेस्टर वन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और उसमें जिनका मैथ एमजेसी है या फिर मैथ एम आई सी है एम जे सी का मतलब आपको समझ में आता होगा मेरे ख्याल से एम जे सी का मतलब होता है मेरे भाई ऑनर्स पेपर ठीक है ऑनर्स पेपर और एम आई सी जो है वो आपका सब्सिडरी पेपर है दोनों में मैथ कॉमन रखा गया है सब्सिडरी पेपर के अंदर में कुछ कुछ पार्ट को हटाया गया है और सब्सिडी पार्ट में कुछ कुछ टॉपिक को हटा दिया गया है लेकिन मेजर में सारे पार्ट्स को रखा गया है तो मे मेजर और माइनर में जो चीज कॉमन है तो मेजर और माइनर में जो पार्ट कॉमन है उस टॉपिक को हम आपके सामने लेके हाजिर हुए हैं और हम आपके सामने कोशिश करेंगे कि रेगुलर हम आपके सामने लाइव लेके आए नहीं तो एटलीस्ट वीक में दो दिन अभी मैं शेड्यूल नेक्स्ट वीक में बता दूंगा कि शेड्यूल हमारा क्या रहेगा लेकिन सप्ताह में हमारी कोशिश रहे कि दो दिन लाइव हम आए आप सबों के लिए तो गुड इवनिंग सभी को गुड इवनिंग भाई हमारा जो कॉमन टॉपिक है वो यूनिट वन का है ट्रिगोनोमेट्री हाइयर ट्रिगोनोमेट्री और हम जो बात करें इस बार जो आपके नवम्बर में एग्जामिनेशन होने वाले हैं उसके टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं नवंबर में जो आपका एग्जामिनेशन होने वाला है उसके टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं <coughs> पूरा पांच यूनिट पढ़ना है मेजर के अंदर में आप सभी को पता होगा बंधु अच्छा आज का सेशन में हम आपके सामने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए सबसे पहला चैप्टर का के अंदर में जो पहला चैप्टर है चैप्टर वन चैप्टर वन के हम ऑब्जेक्टिव सेशन से लेके आए हैं आपके लिए आज बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आप सभी को पता होगा मेजर के अंदर में बंधु मेजर जो हमारा है मेजर कोर्स यानी एम जे सी एम जे सी के अंदर में यानी कि ऑनर्स पेपर इस एम जे सी का और एम आई सी एम आई सी और एम जे सी दोनों का नाम अलजेवरा है दोनों का नाम अलजेबरा रखा गया है मतलब सेमेस्टर वन में जो आपको पढ़ना है उसका नाम अलजेवरा है लेकिन उसके अंदर बहुत सारी बातें आगे आपको देखना है ठीक है हाँ भैया वीडियो को लाइक जरूर कर दें मेजर वाले को पढ़ना आपको पांच यूनिट पढ़ना है इसको कितना यूनिट पढ़ना है भाई जी पांच यूनिट पढ़ना है पांच यूनिट पढ़ना है इसका मतलब आप पांच चैप्टर मत समझो पांच बुक पढ़ना है पांच यूनिट का मतलब हुआ मेरे भाई पांच बुक्स पढ़ना है आपको है ना आप ट्वेल्थ क्लास में नहीं आप बीएससी फर्स्ट ईयर में आ चुके हैं आपको पांच बुक पढ़ना है ना कि पांच चैप्टर साउंड करेगा कि वो बुक है लेकिन सॉरी चैप्टर है लेकिन रहता है बुक है जैसे कि मैंने कहा हायर ट्रिग्नोमेट्री आपको साउंड कर रहा होगा ट्रिग्नोमेट्री तो है नहीं एक बुक आता है ट्रिग्नोमेट्री का आपको साउंड कर रहा होगा कि भैया मेट्रिस चैप्टर तो है लेकिन वो चैप्टर नहीं वो एक बुक है तो प्यारी सी बातें को समझना है और माइनर वाले में हम लोगों को पढ़ना है चार यूनिट माइनर में चार यूनिट पढ़ना यानी कि चार बुक पढ़ना है और आप सबको जान के बेहद खुशी होगी कि हमारे ऐप पर इस मेजर का कोर्स चल रहा है पेड कोर्स चल रहा है हमारे ऐप के ऊपर में पेड़ कोर्स अवेलेबल है माइनर का कोर्स समय के अभाव में हमने स्टार्ट नहीं किया है लेकिन रिकॉर्डेड फॉर्मेट में हम इस कोर्स को जल्दी ही आपके सामने लॉन्च करने वाले हैं माइनर का रिकॉर्डेड फॉर्मेट कोर्स हम बहुत जल्दी लॉन्च करेंगे एकदम लोएस्ट प्राइस में एकदम लोएस्ट प्राइस में फिलहाल मेजर के जो सारे बच्चे हैं वो सारे बच्चे कोर्स को देख सकते हैं तो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अच्छा इस पांचों में आपको जो है पांच मिनट में आपको पता होगा कि मेजर वाले में सेट चोरी पढ़ना है नंबर थ्योरी पढ़ना है हाई टिगोनोमेट्री पढ़ना है मैट्रिसेस पढ़ना है और आपको मैट्रिसेस सेट थ्योरी मैट्रिसेस, नंबर सिस्टम और उसके बाद हाईटिगोनोमेट्री और मैट्रिसेस। क्या मैं सही बोल रहा हूं गड़बड़ बोल रहा हूं एक मिनट हमें पढ़ना है इसमें सेट थ्योरी मैट्रिसेस, हाई टिगोनोमेट्री उसके बाद थ्योरी ऑफ इक्वेशन और उसके बाद नंबर थ्योरी या थ्योरी ऑफ नंबर्स थ्योरी ऑफ नंबर्स कोई मिला के पांच बुक पढ़ना है जबकि इसके अंदर में आपको सेट थ्योरी पढ़ना है मैट्रिसेस पढ़ना है हाई ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है और थ्योरी ऑफ इक्वेशन पढ़ना है बस थ्योरी ऑफ नंबर्स को हटा के रखा गया है ठीक है मेजर वाली क्लासेस स्टार्ट हो चुकी थी जून के लास्ट वीक में ही स्टार्ट हो चुकी है लेकिन जो भी क्लासेस निकल चुका है उसका आपको लेक्चर्स वीडियो के फॉर्म में मिल जाएगा क्लास नोट्स भी मिल जाएगा ठीक है हाँ जी तो अपन लोग आज शुरू कर रहे हैं हाई आज जो शुरू करने हम आपके सामने आए हैं हाइट टिग्नोमेट्री और हाइयर टिग्नोमेट्री के अंदर में हम लोग डिस्कस करेंगे हायर ट्रिगोनोमेट्रिक के अंदर में आज डिस्कस करने वाले हैं हायर ट्रिगोनोमेट्रिक के अंदर चैप्टर रखा गया कॉम्प्लेक्स नंबर सबसे पहला चैप्टर रखा गया कॉम्प्लेक्स नंबर कॉम्प्लेक्स तो नंबर्स के कुछ क्वेश्चंस को हम लोग आज देखेंगे वो भी ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनेशन में आने के चांसेस हैं सभी का स्वागत है ढेर सारा स्वागत है भाई देखो सबसे पहला क्वेश्चन अपने सामने में आयोटा बेस्ड आयोटा का पावर नाइनटी वन है आपको मैं हाँ यहाँ पर जो हर एक क्वेश्चन में जो, जो कंसेप्ट लगते जाएगा उस कंसेप्ट पर भी हम चर्चा करते चलेंगे तो आप सब बने रहें अपने मित्रों को शेयर भी कर दें ताकि वो भी इस क्लास का फायदा उठा सके तो मेरे बंधु हम यहाँ पर जानते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर में आयोटा का जो पावर होता है आयोटा का जो पावर दिखता है आयोटा का पावर जो भी होगा बस पावर कैसा होना चाहिए सर पावर नेचुरल नंबर होना चाहिए उसमें आपको चार से डिवाइड लगाना है जितना आपके पास रिमाइंडर बचेगा वो आयोटा के पावर में लगाते चल जाओ आंसर मिलते जाएगा आपको एकदम इलेवेंथ क्लास की फीलिंग आएगी यहां पे अभी का जो टॉपिक चल रहा है आपके सामने में ये क्लास को कंप्लीटली रीड करता है इलेवेंथ से ही ये इंस्पायर्ड है है ना हाँ बिल्कुल अब यहां पर ये यह समझना है कि अगर आयोटा का पावर दो बन रहा होता है तो माइनस वन आता है क्योंकि आप जानते हो आयोटा जो बेसिकली होता है आयोटा उसका वैल्यू होता है अंडर रूट माइनस वन आयोटा का पावर अगर दो बन रहा होगा आयोटा का पावर दो तो आप माइनस वन कह सकते हो आयोटा का पावर थ्री बन रहा होगा तो माइनस आयोटा कह सकते हो आयोटा के पावर में अगर फोर बन रहा होगा तो आप वन बोल सकते हो इससे ज्यादा आपको आवश्यकता नहीं आयोटा के बारे में जानकारी रखने की क्योंकि ये काफी सफिशियंट है ठीक है अब आपको यह समझना होगा बंधु जल्दी जल्दी सेशन को शेयर करें और लाइक भी कर दें अपने मित्रों तक जरूर पहुंचाएं लाइक करेंगे तो मजा आएगा आनंद मिलता है और शेयर करेंगे तो उन सभी बच्चों को फायदा मिलेगा जो आज तक मैथ से बहुत दूर रह रहे हैं और ऑनर्स तो रख लिए लेकिन पढ़ नहीं पा रहे उन सबों के लिए आयोटा का पावर नाइनटी है आपको कहीं पर साइड में नाइनटी को चार से डिवाइड करते जाना है चार गुना आठ लगाऊंगा बच्चे का एक और एक चार सॉरी चार गुना आठ फिर से आ जाएगा अपने पास। ये अपने पास पास ये ये जो बचा ही मेरा सबसे ज्यादा काम का है क्वेश्चन क्या बच रहा है फर्क नहीं पड़ता है आपके रिमाइंडर से फर्क पड़ता है ठीक है पी के बारे में अगर चेकआउट करना है तो हमारा ऐप है ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ठाकुर सर मैथ हमारे ऐप का नाम है वहां से आप लिंक के थ्रू डाउनलोड कर लीजिए या प्ले स्टोर पर सर्च कीजिए ठाकुर सर मैथ जिस नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है उस नाम से आप सर्च कर लीजिए ऐप वहां से डाउनलोड करिए डाउनलोड करने के बाद आप वहां पर सारे कोर्सेज का डिटेल देख सकते हैं और जो भी दिक्कतें होंगी वहां पर कॉन्टेक्ट नंबर भी दिया रहता है आप वहां पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं तो आपने आयोटा के पावर 91 है 91 में आपने चार से रिभा लगाया बंधु चार से रिभाव लगाने के बाद आपने पाया कि आयोटा का पावर बचने वाला है थ्री क्योंकि रिमाइंडर थ्री बच रहा है और आयोटा का पावर थ्री बचने का मतलब हो जाता है भाई साहब माइनस आयोटा यानी कि आपके ऑप्शन जो इसमें से डी ऑप्शन बहुत बढ़िया रहेगा डी ऑप्शन बहुत सुंदर है बहुत बढ़िया है आप डी ऑप्शन को टिकआउट कर सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते हैं चिंता करने की आवश्यकता नहीं है पार्ट टू और पार्ट थ्री की जो क्लासेस है बिल्कुल दिसंबर तक बिल्कुल चालू नहीं होगा जनवरी और फरवरी दो मंथ में चलेगा पार्ट टू और पार्ट क्लासेस क्योंकि तो हमारे ऐप पर क्लासेस चल रही है दोनों का पेड कोर्स हम उसमें थोड़ा ज्यादा व्यस्त हैं तो हम समय नहीं निकाल पाएंगे कि यूट्यूब पे क्लास अभी लें तो हमारी सिलेबस जो है जनवरी में लगभग लगभग कंप्लीट होने को रहता है सिलेबस पार्ट थ्री का और पार्ट टू का तो उस समय में हम स्टार्ट कर सकते हैं पार्ट टू और पार्ट थ्री यूट्यूब पे अभी कृपया करके हमें फोर्स ना करें पार्ट टू और पार्ट थ्री को पढ़ाने के लिए अगर पूरा डिटेल पढ़ना है तो हमारे ऐप से कोर्स लें और उसको पढ़ें हमारे पास आ गया सर आयोटा का पावर 273 बस ध्यान रखना कि पावर निगेटिव ना हो फ्रैक्शन ना हो आपको 273 को क्या करना है सर चार से डिवाइड लगा देना है चार सत्ते अट्ठाईस ज्यादा हो गया आप चार छक लगा दो चौबीस अपने पास तीन बच रहा है फिर तीन उतार लो चार अठे बत्तीस बत्तीस लगा दे एक बच रहा है इसका मतलब आपको मेन फोकस करना बंधु इसी पर रिमाइंडर जो अपने पास बच रहा उसी पर फोकस करना है तो आयोटा का पावर बच रहा है अपने पास वन यानी कंप्लीटली आपके पास आयोटा आया ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट अगर आप पढ़ रखे हैं तो मेरे ख्याल से आप चेकआउट करते रहे इसका आंसर क्या होगा खुद से बना बना के वर में कब से एग्जामिनेशन होगा सेमेस्टर वन का एग्जामिनेशन यूनिवर्सिटी की तरफ से शायद नोटिफिकेशन आ चुका है कि 21 नवंबर से एग्जामिनेशन स्टार्ट हो सकता है तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि एग्जामिनेशन स्टार्ट होने की बात आप ना करें आप पढ़ाई पर फोकस करें क्योंकि पढ़े रहेंगे तो एग्जामिनेशन कभी भी ले तो काम चल सकता है ठीक है आइए यहां पर देखो अयोध्या का पावर दिया अपने पास में, में माइनस सेवेंटी इसी सब चीजों से बच के रहना है निगेटिव पावर आ गया यस सर गेटिव आ गया इसका मतलब आप इसको नीचे ला करके पॉजिटिव बना लो पॉजिटिव बना लिया अब आप 75 को डिवाइड कर दो चार से आप चाहो तो मन में भी डिवाइड कर सकते हो चार कम चार लगाएंगे यहां पर तीन बचेगा चार अट्ठे बत्तीस लगा देंगे अपने पास में मामला आ गया थ्री इसका मतलब यहां से हम कह सकते हैं वन बाय आयोटा का पावर थ्री बच रहा होगा जिसका मतलब एक बट्टा माइनस आयोटा होगा कभी भी आयोटा नीचे हम लोग नहीं रखते हैं इसलिए आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं ठीक है अब यहां पर से बात करें तो ऊपर आयोटा नीचे में माइनस आयोटा का स्क्वायर है ऊपर आयोटा बचेगा नीचे में माइनस माइनस वन बच रहा है यानी कि नीचे वन गया लिखने की आवश्यकता नहीं है प्लस का आयोटा बन रहा है बात आप ऐसे याद भी रख सकते हो मेरे भाई ऐसे आप याद भी रख सकते हो आयोटा वन अपर आयोटा होगा तो माइनस आयोटा और वन अपर माइनस आयोटा दिखता होगा तो आयोटा ये बातें आपको याद भी रहेगा तो अच्छा रहेगा आपको काम आ जाएगा बात यस सर बुक मार्केट में अवेलेबल हो चुका है आप अच्छे दुकान में जाके सर्च कीजिए अच्छे दुकान में पता लगाइए बुक अवेलेबल है आपको बुक मिल जाएगा नहीं तो पिछला साल का जो बुक है जो अलग अलग था सारे बुक्स का वो भी आप बाई कर सकते हो आइए यहां कहता है अंडर रूट माइनस वन जो उसको आप बोल सकते हो आयोटा क्या बोलना क्या हम जानते हैं भैया तो कहता है अगर एन यहां पर पॉजिटिव इंटीजर है एन कैसा है सर पॉजिटिव इंटीजर है मतलब एन कोई भी नेगेटिव और फ्रैक्शन नहीं है तो इस केस में आपको यहां पर निकालना है क्या सर तो वैल्यू किसका आयोटा का पावर एन है लिखा हुआ आयोटा का पावर एन लिखा हुआ है आयोटा का पावर एन प्लस वन है तो हम लोग हैं बुद्धिमान एन इंटू आयोटा लिख सकते हैं जी सर आयोटा का पावर वन क्योंकि बेस हमने सेम रखा पावर जोड़ के वही आ जाएगा और आयोटा का पावर हमारे पास में एन इंटू आयोटा का स्क्वायर लगा सकता हूं प्लस आयोटा का पावर एन इंटू आयोटा का पावर थ्री लगा सकता हूं ओके सर Iota का पावर एन कॉमन हो जाएगा अपने पास में वन प्लस में आयोटा बचने वाला है प्लस में आयोटा का स्क्वायर बचने वाला है प्लस में आयोटा का पावर थ्री बचने वाला है क्लियर कहानी यस सर यानी आयोटा का पावर एन बचेगा और इसमें वन प्लस में आयोटा माइनस वन कह सकते हो और माइनस आयोटा आपको जान के बेहद खुशी होगी कि ये दोनों कैंसिल आउट ये दोनों भी कैंसिल आउट मीन्स आयोटा का पावर एन इंटू जीरो बन रहा है मतलब आप बोल सकते हो फाइनली जीरो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं NCRT की बुक आपके स्टैंडर्ड तो एक लालजी प्रसाद में अवेलेबल है और दूसरा दास गुप्ता का बुक अवेलेबल है लालजी प्रसाद पाराम पब्लिकेशन से और दास गुप्ता भारती पब्लिकेशन से दोनों की बुक आपको अलग अलग यूनिट वाइज मिल जाएगा या अलग अलग यूनिट के नाम से नहीं मिलेगा बुक के सब्जेक्ट uh, के नाम से मिलेगा मतलब हाइड्रोमेट्रिक एक बुक मैथिसिक्स का एक बुक मिल जाएगा समझ रहे हो हो बात ऐसे ले सकते आप आयोटा का पावर लिखा है चौतीस सर आप तो समझदार हो चुके होंगे चौतीस को आप तीन चार से डिवाइड लगाओगे चार अठे बत्तीस दो बचेगा इसका मतलब आयोटा स्क्वायर बच रहा होगा फिर उसके बाद मैं बात करूं सत्ताइस सत्ताइस में लगाऊंगा डिवाइड चार से चार छ चौबीस तीन बच रहा होगा यस सर और यहां पर अड़तीस है छ चार चा नवा छत्तीस यानी फिर भी दो बच रहा होगा अपने पास में प्लस में फाइव चार से डिवाइड लगाओगे तो इकतालीस में एक बचेगा आयोटा का पावर वन आयोटा का पावर यहां पर जो दिख रहा है सर मुझे स्क्वायर है इसका मतलब माइनस वन लिख सकता हूं यहां पर लिख सकता हूं माइनस का आयोटा और यहां पर लिख सकता हूं आयोटा स्क्वायर तो माइनस वन टू इंटू माइनस वन ये फाइव आयोटा बन रहा है ओके सर यहां माइनस का थ्री प्लस में नहीं माइनस में फाइव आयोटा माइनस में टू नहीं प्लस का टू प्लस में फाइव आयोटा आपके सामने में दिख रहा होगा कि बढ़िया से ये दोनों ऑप्शन खत्म हो रहा है उसके बाद उसके बाद हा भाई सारे यूनिट के क्वेश्चन करवाऊंगा आप लोग क्यों घबरा रहे हो आज तो मैंने स्टार्ट ही कराया वो भी अचानक से मन हुआ कि भैया काफी दिन हो गए आप लोगों से मुलाकात करते हुए यूं ही खाली हाथ मुलाकात नहीं करना ठीक रहेगा तो मुलाकात करने के लिए हमने क्वेश्चन को, को ले लिया है कुछ मैंने गड़बड़ कर दिया क्या फाइव आयोटा माइनस टू यस ठीक है वो माइनस वन आ रहा ऑप्शन में तो माइनस वन हमें दिख नहीं रहा है यहां पर माइनस वन ही होगा मेरे ख्याल से टाइपिस्ट महोदय ने इरर कर दिया होगा अब आगे बढ़िए हमारे पास सर वन माइनस आयोटा बचा में वन प्लस आयोटा का होल स्क्वायर है आप समझदार हैं आप ऐसा कर सकते हैं कि वन माइनस में आयोटा का स्क्वायर ऊपर भी चढ़ा दीजिए और वन प्लस आयोटा का स्क्वायर नीचे भी चढ़ा दीजिएगा ऊपर ए स्क्वायर प्लस, प्लस में बी ए स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में टू ए भी लगा सकते हो और उसके बाद वन स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर प्लस बी प्लस टू ए भी लगा सकते हो टू इंटू वन इंटू आयोटा आप लोगों से मुलाकात करनी थी काफी दिन हो गई थी मुलाकात खाली हाथ नहीं किया जाता है इसलिए मैंने कुछ क्वेश्चंस भी आप लोगों के लिए लेके आया है और बहुत जल्दी ही हम शेड्यूल भी लेके आएंगे फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए कब से हम यूट्यूब पर क्लास स्टार्ट कर रहे हैं तो आप लोग बने रहे हमारे चैनल से अगर नए जरूर रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों के बीच में शेयर जरूर कर लें सेमेस्टर वन वालों के लिए बी मैथमेटिक्स फिजिक्स केमेस्ट्री और इंग्लिश सारे कोर्स हमारे ऐप पर अवेलेबल है केमिस्ट्री का भी कुछ दिनों के बाद लॉन्च हो रहा है फिजिक्स मैथ और इंग्लिश का कोर्स हमारे चैनल पर अवेलेबल है आप सभी चाहे तो सेमेस्टर वन वाले सॉरी हमारे ऐप पर अवेलेबल है कोर्स आप चाहे तो सारे सेमेस्टर वन वाले चेकआउट कर सकते हैं हमारा ऐप का वही नाम है जो हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है यानी कि ठाकुर सर मैथ दिक्कतें हो तो डिस्क्रिप्शन में जाए वहां पर आपको लिंक मिल जाएगा वहां से आप डायरेक्ट ऐप डाउनलोड कर सकते हैं आपको पता होगा आयोटा स्क्वायर का माइनस वन होता है माइनस टू आयोटा डिवाइड बाई वन माइनस में वन और प्लस में टू आयोटा क्लियर है भाई क्लियर है से क्लियर है वन वन खत्म हो जाएगा उसके बाद में अगर देखें तो ऊपर माइनस टू आयोटा नीचे प्लस टू आयोटा यानी कि हमारे पास में माइनस का वन बचने का पूरा पूरा उम्मीद है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया इस तरह तो से बनाएंगे तब ना मजा आएगा फिर तो हमारे पास है सर a प्लस बी का आयोटा a प्लस आयोटा भी ए प्लस में आयोटा भी इज इक्वल टू में रूट अंडर में वन प्लस आयोटा डिवाइड बाई वन माइनस आयोटा आपको पूछा जा रहा है यहां पर सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू बताओ जैसे आपसे ये कहा जा रहा है तो आप इस बात को समझ के चले कि आपसे मॉडल का डिमांड किया जाता है क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर तभी होता है जब आप मॉडल्स लगाते हो तब यहां पर क्या करना है आपको सर टेकिंग मॉडल करना है मॉडल लगा देना है मॉडल लगाने के बाद आपको यहां पर से मॉडल का मतलब होता है सर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर और जब आप मॉडल्स लगाते हैं इसमें तो आपको ये बात भी सारी ख्याल रखनी होती है कि के, के केस में रूट से फर्क नहीं पड़ता मॉडल अंदर जाके भी काम कर सकता है अपना यानी कि रूट के अंदर में अगर बात करूं तो ये रूट हो जाएगा वन प्लस में वन और रूट अंडर वन प्लस वन कहा से आ गया सर अरे भाई साहब रियल पार्ट भी वन इमेजनरी पार्ट भी वन आयोटा के बगल का जो नंबर होता है उसको इमेजनरी पार्ट कहते हैं ठीक है अब यहां पर अगर हम देखें तो ये भाई साहब दोनों कैंसिल होता है और स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दिए तो ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर और यहां मिलता अपने पास में वन आपके सामने ये रिजल्ट दिख रहा होगा ये कुछ ऐसा ठीक है वहां भी मुझे ढेर सारा प्यार मिल रहा है इसलिए वहां भी पढ़ाते एक टीचर को क्या चाहिए जहां स्टूडेंट प्यार करते हैं टीचर वहीं पढ़ाते हैं जहां स्टूडेंट टीचर को प्यार करते हैं टीचर वहीं पाए जाते हैं आप जिस दिन नफरत से देखना शुरू कर देंगे हम वहां से हट जाएंगे तो किसी भी प्लेस पर कहीं भी हम पढ़ा सकते हैं हमें बच्चे जहां जहां प्यार कर रहे हैं जहां जहां मुझे स्टूडेंट को टीच करने का मौका मिलता है कुछ अपना ज्ञान बांटने का मौका मिलता है मैं वो हर जगह जाना पसंद करता हूं इसीलिए कहीं भी पढ़ा रहा हूं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरा अपना सब कुछ जैसे चल रहा है वैसे चलते रहेगा उसमें नो डाउट नो इशू अब कह रहा है यहां पर सर स्मॉलेट पॉजिटिव इंटीजर बताइए एन जबकि अपने पास क्वेश्चन है वन प्लस आयोटा बाई वन माइनस आयोटा वन प्लस आयोटा बाई वन माइनस आयोटा हाँ हाँ भाई हाँ 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 बिल्कुल पावर एन इज इक्वल टू वन हमारे पास वन प्लस आयोटा है तो हम यहां पर आप लोग जहां जहां बुलाए बस प्यार दो मैं वहां वहां पहुंच जाऊंगा क्योंकि एक टीचर पैसे के भूखे नहीं होते बस प्यार के भूखे होते हैं पैसे आए या ना आए बस भोजन लाइक -like पैसे आ जाए पढ़ाने का आनंद ही आ जाता है कुछ और ऊपर आप देखोगे सर ए स्क्वायर सेम चीज है ना भाई सेम चीज है तो आप लगा सकते ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में टू ए बी टू इंटू वन इंटू आयोटा और नीचे में लगा सकते हो सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कुछ ऐसा का पावर एन है इज इक्वल टू वन ठीक है अब यहां पर से देखोगे तो भैया जी आप समझदार हो चुके हो आयोटा स्क्वायर का वैल्यू माइनस वन होता है तो दोनों कैंसिल हो चुका होगा और हमारे पास ऊपर में बच रहा है सिर्फ टू आयोटा यस सर टू आयोटा नीचे में बच रहा होगा वन प्लस वन यानी कि टू नीचे में भी बच रहा है का पावर एन इज इक्वल टू वन ठीक है बंधु यहां से दो दो कैंसिल होता हुआ दिख रहा है लाइक कोई नहीं करता क्योंकि लाइक करने में थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है वीडियो प्ले करने में मेहनत न... <coughs> मेहनत नहीं करना पड़ता बच्चों को इसलिए लाइक नहीं करते हैं लोग खैर कोई बात नहीं हम फिर भी आपके सेवा में रहेंगे आप बस जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ आयोध्या का पावर इन इज इक्वल टू वन हो रहा है अब यहां पर से हम समझते हैं कि पावर क्या क्या रखू कि वन हो जाए तो जीरो से भी स्टार्ट होता है लेकिन हमें पॉजिटिव इंटीजर से बात करना है तो सबसे छोटा पावर होता है चार जिस पे वन बन जाता है आयोटा यानी कि आप यहां से कह सकते हो भैया जी कि इस क्वेश्चन का आंसर बन रहा अपना फोर क्लियर यस सर आइए हमारे पास कहता है कि ये जो कंप्लेक्स नंबर आपको दिख रहा है ये किस क्वाड्रेंट में लाइज करता है ये बताओ क्वाड्रेंट कैसे पता के चलता है सर तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर में जब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को पढ़ाई करते हैं आप एक्स प्लस आयोटा है इसको coordinate point के रूप में एक्स तो तो अगर नेगेटिव है वाई पॉजिटिव सेकंड में बोथ नेगेटिव एक्स और वाई तो थर्ड क्वाड्रेंट में अगर प्लस में है वाई माइनस में है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में चलेगा ठीक है तो उसके लिए आपको नीचे से इसका आयोटा खत्म करना पड़ेगा हमारे पास जो दिया हुआ वन प्लस में टू आयोटा डिवाइड बाई वन माइनस में आयोटा जो है इसमें नीचे से आयोटा खत्म करने के लिए कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लोगे कर कर दिया मैंने और उसके बाद आप बात कर सकते हो कि वन से मल्टीप्लाई कर लो तो वन तो प्लस, प्लस में टू आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस में आयोटा प्लस में टू आयोटा स्क्वायर हो रहा है नीचे ए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फीलिंग आ रही है ए प्लस बी और ए माइनस बी से पार्ट टू की क्लासेस पार्ट टू की क्लासेस मेरे भाई पार्ट टू की क्लास हम जनवरी में स्टार्ट करेंगे अभी बिल्कुल भी नहीं जनवरी में स्टार्ट करेंगे अभी बिल्कुल भी नहीं ठीक है मेरे भाई तो पार्ट टू और पार्ट थ्री क्लासेस जनवरी में स्टार्ट होगा तो आप सब चिंतित ना करें वेट करें थोड़ा सा तब तक आप अपना सेल्फ स्टडी करें अगर फुल कोर्स पढ़ना है तो हमारे ऐप पर आके पढ़ें ठीक है हाँ हमारा ऐप ठाकुर सर मैथ्स के नाम से ही प्ले स्टोर पर मिल जाएगा यह होगा वन प्लस में थ्री आयोटा और इधर में माइनस टू लगा सकते हो आयोटा स्क्वायर की वजह से वन प्लस में आयोटा स्क्वायर को लिख सकते हो वन ठीक है रजत राय जी बहुत सारा प्यार मोहब्बत इसी तरह से बनाई रही है अरे बस बस प्यार मोहब्बत बनाते रहिए भाई संचिता शर्मा प्यार मोहब्बत बनाते रहिए बस मजा आ जाएगा हम आपके साथ लगे रहेंगे बस आपका प्यार चाहिए आपका सपोर्ट चाहिए चाहिए लाइक कुछ सब्सक्राइब चाहिए बस इतना ही काफी हमारे लिए जरूर जनवरी में जबरदस्त स्टार्ट करेंगे पार्ट टू का हमारा कोशिश रहेगा वन शॉट एक दिन में एक लेक्चर उठाऊं कहानी समाप्त करूं एक दिन में एक चैप्टर उठाओ कहानी समाप्त करो ऐसा वाला में में सेशन हो सकता आए अरे नहीं नहीं बस प्यार मोहब्बत प्यार मोहब्बत दीजिए कोई हम एक इंसान है आम है इंसान जो आपके मदद करते हैं और ऐसा भगवान वाली दर्जा हमारे लिए नहीं है हम बस एक प्यार से इंसान है ये जेनेरटिक इलेक्टिव वाले भी पढ़ सकते हैं ये मुझे जानकारी नहीं किस सब्जेक्ट के बारे में आप कह रहे हैं ठीक है जेनेरिक जेनरिक इलेक्टिव ये मुझे जानकारी नहीं सिलेबस आप मैच, मैच कर लीजिएगा उसमें नंबर अगर होगा तो आप पढ़ सकते हैं जय कुमार महतो जी तो हमने यहां पर से आपको कहा कि माइनस टू तो है ना तो माइनस वन बना देगा इसको नीचे में टू आप इसको लिख सकते हो माइनस वन बाई टू और फिर प्लस में थ्री बाय टू आयोटा आप इसको बना सकते हो पॉइंट के फॉर्म में थ्री बाय टू आप यहां से देख सकते हो कि x जो है ये x जो है वो निगेटिव है y पॉजिटिव हो रखा है x निगेटिव y पॉजिटिव लाइज करता होगा सेकेंड क्वार्टर में क्लियर हाँ जी आइए वाह वाह क्या बात है भैया कह रहा है वन प्लस आयोटा का पावर अगर माइनस वन है तो इसका वैल्यू बताओ तो डायरेक्ट तोड़ने की कोशिश मत करना इस माइनस पावर को नीचे लाके प्लस कर देना है और इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना सर कहा गया अरे पावर वन कहा गया नीचे आया प्लस हो गया पावर वन लोग लिखते नहीं है वन माइनस आयोटा भाई वन माइनस आयोटा ठीक है चलिए भाई चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बस हमारी ये कोशिश जो है आप अपने छोटे भाई मित्र दोस्त तक पहुंचाते रहिए कि सर अच्छा कर रहे हैं आप सबों के लिए आप सब जुड़िए सर के चैनल से आपको काफी मदद मिलेगा कुछ ऐसा दिख रहा है क्या टू से डिवाइड करने पर यस सर और आप यहां पर से पाओगे कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ठीक है भाई बहुत सुंदर सेशन को लाइक करिए शेयर कीजिए मत मित्रों के बीच उनको भी आवश्यकता है ना पढ़ने की आप अगर मदद करेंगे तब तो वो पढ़ेंगे आपकी मदद की आवश्यकता आपके मित्र को जरूर पड़ती है इसीलिए अपने मित्रों तक जरूर सेशन को शेयर कीजिए आइए यहां पर अपने पास में देखो ठीक से कि टू माइनस रूट नाइन है माइनस के लिए पहले आप आयोटा लगा लो नाइन के लिए थ्री यानी कि टू माइनस में थ्री आयोटा है नीचे में वन माइनस में टू आयोटा दिख रहा है कहता है ये एक्स प्लस में आयोटा वाई के बराबर हो रहा है तो आपको एक्स और वाई का वैल्यू बताना है बहुत सुंदर सबसे पहला काम क्या करना है इसमें नीचे से आयोटा खत्म करना है क्योंकि बिना आयोटा खत्म किए हुए आप कह ही नहीं सकते कि रियल पार्ट क्या है और इमेजनरी पार्ट क्या है नहीं केमिस्ट्री की बैच अभी अवेलेबल नहीं है लेकिन बहुत जल्दी ही स्टार्ट होने के चांसेस हैं क्योंकि तो हमें गुरु जी की थोड़ी आवश्यकता जो केमिस्ट्री ऑनलाइन पढ़ा सके लेकिन अभी तक हमें उपलब्ध नहीं हुए हैं तो हमारी बस कोशिश है लगे हुए हैं अगर बात बन जाती है तो हम जरूर आप लोगों के सामने उनको भी प्रस्तुत करेंगे वन प्लस टू आयोटा अगर आप लोगों के नजर में अगर आप लोगों के नजर में कोई आपके गुरुजी या आसपास कैसे कोई गुरुदेव जिनको आप जानते होंगे और वो केमिस्ट्री पढ़ा रहे होंगे ऑनलाइन तो उनका नंबर हमें शेयर कर दीजिए रिकमेंड कर दीजिए मैं आप सब को उनके लिए जरूर लॉन्च करूंगा थैंक यू थैंक यू सर इस बार आप क्या फिर पढ़ाओगे सेमेस्टर वन देखो मेरे भाई सेमेस्टर वन का जितना भी बुक है सबका अलग 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 प्लेलिस्ट बना हुआ है हमारे चैनल पर अगर थोड़ा ढंग से आप देखिएगा तो हर एक बुक वाइज बना हुआ है मैट्रिकस का अलग फिक्शन का अलग है उसके बाद फिर आइटमेट्री <coughs> का अलग है और जितना भी बुक है उसमें सिर्फ सेट थ्योरी छोड़ करके बाकी सब का प्ले लिस्ट अवेलेबल है आप वहां से जाके भी पढ़ सकते हैं कोई आवश्यकता है नहीं कि मेरे नए वाले लाइव सेशन का वेट करें आपको कंप्लीट सिलेबस वहां करवा दिया गया है आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं होगा तो एक दिन मैं प्ले के बारे में आपको पूरा डिटेल में वीडियो बना देता हूं कि हमारे चैनल पर कौन सा लेक्चर कहाँ अवेलेबल है चलिए मेरे भाई यहां पर से हम कहा कि भैया x प्लस में आयोटा वाई है बिल्कुल सर अब क्या करो सर ऊपर वन से मल्टीप्लाई करो टू माइनस में थ्री आयोटा आप प्लस में टू आयोटा से मल्टीप्लाई करो तो फोर आयोटा माइनस में सिक्स आयोटा स्क्वायर तो है नीचे ए स्क्वायर माइनस में बी ए स्क्वायर टू आयोटा का स्क्वायर है और यहां पर एक्स प्लस में आयोटा वाई है आप यहां से देख सकते हो सर टू माइनस प्लस हो जाएगा फोर आयो, सॉरी आयोटा प्लस फोर और माइनस थ्री एक घटा दोगे तीन घटा दोगे यस सर और सिक्स आयोटा स्क्वायर आयोटा स्क्वायर तो माइनस होता है तो प्लस कर दिया मैंने यहां पर कोई दिक्कत नहीं सर वन प्लस हो जाएगा वन प्लस कहां से सर आयोटा स्क्वायर की वजह से टू का स्क्वायर फोर यहां से एक्स प्लस में आयोटा वाई बोल सकता हूं यह हो जाएगा अपने पास में छ आठ एट बाई फाइव हो जाएगा ये आप प्लस में वन बाय फाइव आयोटा सर ये दोनों मिलाकर ए डिवाइड बाई फाइव आयोटा बाई फाइव तो वन बाय फाइव आयोटा लिख दिया एक्स प्लस आयोटा वाई आप यहां से देख पा रहे हो बंधु एक्स का जो वैल्यू है वो दिख रहा होगा ये एट बाई फाइव और वाई का जो वैल्यू है वो दिख रहा होगा वन बाई फाइव रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट इक्वेट करते हुए तो ऑप्शन नंबर हमें डी बहुत बढ़िया नजर आ रहा है थैंक यू थैंक यू थैंक यू आगे बढ़िए मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स पूछ रहा है मेरे भाई ध्यान देना मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स पूछ रहा है मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स अगर पूछता है मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ जेड अगर पूछ रहा होता है ऑफ जेड तो आप सीधा सीधा समझना कि वन बाई जेड के बारे में बात कर रहे हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब सर वन बाई जेड के बारे में बात कर रहे हैं एडिटिव इन्वर्स का मतलब माइनस जेड के बारे में बात कर रहे हैं तो अब यहां पर से हम लोग बात कर रहे हैं इसका मल्टीप्लिकेटिव इन मल्टीप्लिकेटिव इन ऑफ माइनस टू प्लस में फाइव आयोटा के बारे में बात कर रहे हो इसका मतलब आप लिखोगे वन बाय माइनस टू प्लस में फाइव आयोटा और इसको बस सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है यानी कि यहां से लिख सकते हो माइनस टू प्लस में फाइव आयोटा माइनस आयोटा सॉरी माइनस का फाइव आयोटा डिवाइड करें तो माइनस टू प्लस माइनस का फाइव आयोटा को इसका पीडीएफ नोट चाहिए तो मेरा ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा या हमारा टेलीग्राम चैनल है उसका भी लिंक आपको दिया होगा डिस्क्रिप्शन में दोनों में से किसी एक जगह या दोनों जगह आप अवेलेबल हो जाइएगा टेलीग्राम पर भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल ठाकुर सर मैथ्स और हमारा ऐप भी है ठाकुर सर मैथ्स वहां भी डाउनलोड कर लीजिएगा दोनों जगह पर इसका पीडीएफ लेक्चर आपको मिल जाएगा पीडीएफ करवाया जा रहा है इसका PDF format आपको मिल जाएगा से आप अपना नोट्स सकते हैं अब बात करें हम लोग तो ऊपर में आ गया मैंनेस टू, मैंनेस में फाइव आयोटा नीचे में सर A तो टू का स्क्वायर और उसके बाद फिर माइनस फाइव आयोटा का स्क्वायर है ऊपर देख रहे हो सर माइनस का टू माइनस का फाइव आयोटा नीचे अपने पास आ जाएगा माइनस टू का स्क्वायर तो फोर फाइव का हो जाएगा प्लस कर दो आयोटा स्क्वायर की वजह से फाइव का ट्वेंटी फाइव हो रहा है यस सर यानी कोई मिला के मैं यहां से कहूं तो माइनस टू अपॉन में ट्वेंटी लिख सकते हो आप फिर माइनस में फाइव अपॉन में ट्वेंटी लिख सकते हो यानी कि माइनस टू अपॉन माइनस 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 ओ भाई यहां पे है यहां पे बैठा हुआ छुप के बीच में माइनस लेके बैठा हुआ है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट सही है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हम लोग मैं आप के फायदे के लिए ही बताता हूँ कहा का प्रमोशन करता कहीं भी देखते हो मेरे पे लिखा रहता है कि भैया ये ऐप डाउनलोड करो ये कोर्स पर भारी छूट मिल रहा है ऐसा कभी देखते हो नहीं किसी भी वीडियो में आपको नहीं दिखाई देता शायद एक वीडियो में कभी आ गया हो तो आ गया हो मैं प्रमोशन नहीं करता मैं बस बच्चों की सुविधा के लिए बता देता हूँ चलिए भाई चलिए 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 यहाँ कहता है जो कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड है एक कॉम्प्लेक्स नंबर सर जेड क्या है सर एक कंप्लेक्स नंबर है और आपको यहां पर कहा जा रहा है जेड अगर कोई कंप्लेक्स नंबर तो आपको कहा जा रहा है कि अगर जेड माइनस आयोटा बट्टा में जेड प्लस आयोटा इज इक्वल टू वन है तो ये कंप्लेक्स नंबर लाइज कहां कर रहा होगा किस पर्ण में होगा कहां पर अवेलेबल होगा ये बताना है तो भैया जी यहां पर आप देख पाओगे मेरे ख्याल से मेरे बंधु जेड माइनस में आयोटा डिवाइड बाई लिखा हुआ Z प्लस में आयोटा इज इक्वल टू वन आप Z सीधा समझ लो कि भैया कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है एक्स प्लस अब यहां पर से एक काम कर सकते हो मेरे ख्याल से थोड़ा सा क्वेश्चन में जैसा महसूस हो रहा है क्योंकि इसका मॉडल होना चाहिए है ना मॉडलस होना चाहिए थोड़ा सा हमें इरर जैसा लग रहा है क्वेश्चन के अंदर में मैं इसमें थोड़ा सुधार कर देता हूं इसके अंदर में यहां पर मॉडलस होना चाहिए ठीक है चलिए भाई हम यहां पर से बात कर सकते हैं माइनस सॉरी डिवाइड में मॉडलस अलग अलग किया जा सकता है डिवाइड में मॉडलस अलग अलग किया जा सकता है कर दिया अब यहां पर से अगर हम बात करें पार्ट थ्री के बारे में हमने सारे डिटेल्स बता दिया आपको वीडियो के अंदर में आप वीडियो पीछे या आगे करके देखते रहिएगा पार्ट थ्री की और पार्ट टू की बैच जनवरी में स्टार्ट होगी अभी फोर्स ना करें अभी हम आ, अपने ऑनलाइन क्लासेस पेड कोर्सेज में ज्यादा व्यस्त हैं अभी क्लास हम नहीं ले पाएंगे उसके लिए क्षमा चाहते हैं जनवरी और फरवरी दो मंथ आपको पार्ट टू और पार्ट थ्री करवा दिया जाएगा कोई एक्सपेक्टेशन मत रखिए पार्ट टू के रिजल्ट का आप पढ़ते रहिए पार्ट टू का रिजल्ट जब आना होगा आ जाएगा यहां पर से हम बात करेंगे तो एक्स प्लस में आयोटा वाई है माइनस का आयोटा है इधर में अपने पास x प्लस आयोटा वाई और प्लस का आयोटा है आप यहां से देख लो भैया रियल पार्ट पहले ढूंढ लो तो x है इमेजनरी पार्ट में से आप आयोटा निकाल लो तो यहां पर से y माइनस वन हो जाएगा और इधर में बात करूंगा तो एक्स x प्लस में आयोटा निकालते हुए आप लिख सकते हो y प्लस का वन है कहानी यस सर बहुत बढ़िया अब इसका निकालोगे मॉडल मॉडलस का मतलब रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस में इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर और उसके बाद रूट अंडर में एक्स स्क्वायर प्लस में वाई माइनस वन का वाई प्लस वन का स्क्वायर स्क्वायरिंग कर लीजिएगा रूट खत्म हो जाएगा अपने पास तो बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस इसको मैं ब्रेक करते चलता हूं तो वाई स्क्वायर प्लस में वन माइनस में टू वाई इज इक्वल टू में एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में टू वाई प्लस का वन यहां से आपको कैंसिल होते दिखाई देगी बहुत सारी बातें क्या क्या वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा एक्स स्क्वायर भी कैंसिल हो रहा होगा भी कैंसिल हो रहा होगा कोई मिला के आ जाता अपने पास में? Y यानि y का है आपको हमने बताया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है इसको हम लिख सकते हैं कोऑर्डिनेट पॉइंट के फॉर्म में कैसे x कॉमा वाई जिसमें हमने कहा कि y जीरो हो रहा है इसका मतलब ऑब्वियस सा बात है ये पॉइंट x एक्सिस पर लाइज करता होगा कहां लाइज करता होगा एक्स एक्सिस पर लाइज करता होगा यानी कि ऑप्शन नंबर इज करेक्ट पार्ट थ्री का प्राइस एकदम जेन्यून है ऐप में कोर्स का आपने देखा नहीं है मैं कितना फुल डिटेल में पढ़ाता हूं पूरा पूरा जर्नी आपका जो पार्ट थ्री या पार्ट टू या पार्ट वन का जो भी है सेमेस्टर वन जो भी है सब जर्नी को मैं एकदम प्यार से पढ़ाता हूँ पूरे दिल से शिद्दत से पढ़ाता हूँ कभी पढ़ के देखो मेरे पेट कोर्स में आपको आनंद मिल जाएगा तो प्राइसिंग एकदम नॉर्मल है जेन्यून प्राइसिंग है उससे ज्यादा कम नहीं किया सकता है हाँ फेस्टिवल वगैरह आता है तो आप ऑफर में कोर्स वगैरह बाई कर सकते वहां पर आपको अच्छे डिस्काउंट मिल जाएंगे हाँ भाई हमारे टाइपिस्ट महोदय ने लगता है सब जगह से मॉडलस गायब कर दिया है देखो जरा पर कहता है सेम सिमिलर क्वेश्चन है पास में Z -2, Z +2 का मॉडल अलग अलग डिवाइड में आप एक साथ अलग मतलब एक साथ था अलग अलग मैं कर दे रहा हूं ऐसा कुछ और आपको यहां पर करना क्या है कंजू इसको लेके चल जाना है लेके चले गए सर टू इंटू मॉडल ऑफ जेड प्लस में टू आपको यहां यह समझना है कि जेड जो होता है वो एक कॉम्प्लेक्स में आयोटा वाई जिसको हम कह सकते हैं कॉमा वाई और आपको देखने को मिल रहा होगा कि इसमें एक्स प्लस आयोटा वाई हम लगा सकते हैं जेड के जगह एक्स प्लस में आयोटा वाई लगा सकते हैं और माइनस का टू है और आप काफी समझदार हैं आप यहां से फिल्टर कर चुके होंगे कि रियल पार्ट कौन सा और इमेजनरी पार्ट कौन सा अब मॉडल से नया काम चल रहा है इसलिए रियल पार्ट हो जाएगा अपने पास में एक्स x माइनस टू का स्क्वायर और इमेजनरी पार्ट होगा वाई का स्क्वायर रूट लगा इधर अपने पास में सर टू इंटू रियल पार्ट है सर एक्स प्लस टू का स्क्वायर और प्लस इमेजनरी पार्ट है वाई का स्क्वायर कोई दिक्कत नहीं <laughs> चलिए भाई बहुत बढ़िया यहां पर से स्क्वायरिंग कर देते हैं हम लोग <coughs> स्क्वायरिंग कर देते हैं देखो टीचर टीचर जो एसोसिएशन टीचर जितने भी हैं सब आपस में मित्र ही होते हैं ठीक है सभी आपस में मित्र होते हैं कोई बहुत करीबी मित्र होते हैं कोई दूर के मूत्र मित्र होते हैं कोई हाई हेलो वाले मित्र होते हैं लेकिन वाकई में कुछ दोस्त करीबी हो जाते हैं उनमें से ये सर भी मेरे करीब हैं चलो बंधु यहां पर से अगर हम बात करें तो स्क्वायरिंग करने पर आपका ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में फोर आप माइनस का फोर एक्स मैंने इसको भी ब्रेक कर दिया स्क्वायर से सिर्फ रूट खत्म किया इसको भी ब्रेक कर दिया और अपने पास सर ये वाई स्क्वायर है ये बन जाएगा अपने पास में फोर ये हमारा एक्स स्क्वायर है प्लस में फोर अब प्लस का फोर एक्स है और प्लस का वाई स्क्वायर है यस सर आप समझदार होंगे मेरे ख्याल समझ गए होंगे फोर एक्स स्क्वायर में से एक घटाया तो थ्री एक्स स्क्वायर माइनस कर दिया तो थ्री वाई गया, और उसके बाद अपने पास में यहां, बन रहा है उसमें चार एक्स और एड हो जाएगा तो आठ चार बारह एक्स बन रहा होगा उसके बाद वाई वाला टर्म तो है नहीं कहीं भी नहीं है सर कॉन्स्टेंट है चार चौका सोलह में से चार माइनस कर दिया मैंने यानी कि बारह तो आप यहां पर से तीन कॉमल लेके हटा सकते हो तो हमारे पास जो इक्वेशन दिखाई दे रहा होगा एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में इसमें से अगर देखा जाए तो चार एक्स प्लस में चार इज इक्वल टू जीरो तीन कॉमर लेके मैंने हटा दिया है और ये जो इक्वेशन आपको दिख रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में फोर एक्स अगर वाई रहता तो भी कोई दिक्कत नहीं और वाई अगर होता है, या वाई कुछ भी, में है। इसका मतलब ये सर्किल के इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा या आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा, प्लस सी जी बराबर जीरो तो सर्किल के इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है ठीक है भाई बंधु समझ आ रही है बातें आइए पोलर फॉर्म पे आ गया क्वेश्चन पोलर फॉर्म पे पोलर फॉर्म पे देखो भैया जी जेड बराबर लिखा हुआ अपने पास में देखो तो जेड अगर बराबर लिखा हो सिर्फ एक्स लिखा हो सिर्फ एक्स लिखा हो ध्यान रखना सिर्फ एक्स लिखा हो <laughs> बस आप लोग इसी तरह से प्यार मोहब्बत बनाए रखिए हम आपके साथ ऑनलाइन सेक्टर में ऑनलाइन की दुनिया में तो आपके साथ है ही और समय के थोड़ी अभाव है इसीलिए हम एक से ज्यादा जगह ऑफलाइन में नहीं पढ़ा सकते जड़ अगर अपने पास में दिया हो जड़ दो वेराइटी का हो सकता है भाई मेरे। सिर्फ एक्स हो तो भी इसमें दो वेरायटी बन सकता है ये हो सकता है प्योरली रियल हो प्योरली रियल तो है ही पॉजिटिव हो क्या हो पॉजिटिव हो एक हो सकता है कि निगेटिव हो जेड से लिखे टू थ्री तो पॉजिटिव प्योरली रियल में पॉजिटिव अगर पॉजिटिव है तो इस केस में आर्ग्यूमेंट आप लगाओगे आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड कम्प्लेक्स नंबर का जीरो लगाओगे अगर निगेटिव होगा तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड लगाओगे पाई याद रखोगे समझ तो में आ रही बातें याद रखना क्या है कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हो अपने पास में वो कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल हो पॉजिटिव में आर्ग्यूमेंट जीरो और निगेटिव में आर्ग्यूमेंट जो है पाई लगाओगे उसके बाद आपको करना क्या है यहां पर पोलर फॉर्म के लिए पोलर फॉर्म के बारे में अगर बात कर रहा होगा तो पोलर फॉर्म जो होता है उसका फॉर्मूला बनता है आर थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा और आपको बिल्कुल ख्याल रखना है यहाँ पर एकदम जरूरी बात ख्याल रखना की ये जो आर होता है और जो थीटा, थीटा होता है जो दोनों जगह आपको दिख रहा होगा ये थीटा ये थीटा और आर का क्या योगदान है सर आर होता है मॉडल ऑफ जेड थीटा होता है आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जिस कॉम्प्लेक्स नंबर को आप पोले फॉर्म में चेंज कर रहे हो तो आप यहां पर से देख पा रहे होंगे मेरे भाई मेरे बंधु कि जेड इज इक्वल टू अपने पास में दिया हुआ सर माइनस का टू है ये कैसा है सर ये सर प्योरली प्योरली रियल है और पॉजिटिव है प्योरली रियल के साथ साथ में पॉजिटिव भी है ओके सर थैंक यू चार मोहब्बत देते रहिए ना भाई सारे सारे गिले में मैं दूर करवा दूंगा मैथ में प्यार मोहब्बत हायर मैथमेटिक्स जो होता है वो मेरा फेवरेट है यानी कि मैथमेटिक्स पढ़ाने में मैं काफी रुचि रखता हूँ हायर मैथमेटिक्स ठीक तो मुझे काफी अच्छा लगता है मैथमेटिक्स पढ़ाने में तो आप सब इसी तरह से प्यार बनाते रहिए और मित्र कुछ में शेयर भी कर दीजिए सर सेमेस्टर वन वाले को भी पढ़ाते हैं है। काफी बच्चे हमसे जुड़े हुए ऑनलाइन में पेड कोर्स के अंदर में सेमेस्टर वन के अंदर में बहुत सारे बच्चे बहुत मोहब्बत करते हैं हमसे हमें काफी अच्छा लगता है अब इसका मॉडल निकालो आर का मतलब हो गया सर मॉडल ऑफ जट मॉडल का मतलब होता है रियल पार्ट का स्क्वायर तो फोर है रियल पार्ट का स्क्वायर चार हो जाएगा दो का स्क्वायर और उसके बाद जीरो यानी कि इसका मॉडल हो गया अपने पास दो अब आपको कह रहा है यहाँ पर सर पोलर फॉर्म बता अच्छा आर्ग्यूमेंट क्या होगा सर आर्ग्यूमेंट देख लो यहाँ फिक्स है निगेटिव है ना निगेटिव सिट मेरे गलती है इसका मतलब किस कैटेगरी में जाएगा सर पाए वाले केस में ठीक है पाए वाले केस में अब यहां पर से आपसे पूछा जाए कि भैया पोलर फॉर्म बताओ पोलर फॉर्म तो पोलर फॉर्म हो जाएगा अपने पास में आर के जगह दो लगाओगे कॉस पाई प्लस में आयोटा साइन पाई कॉस पाई प्लस आयोटा साइन पाई और यहीं से आपका बात काम बन जाएगा ये आपका बी ऑप्शन दिख रहा होगा इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आते हैं और खासकर सेमेस्टर वन के अंदर में चैप्टर तो है ही पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्टिंग से होता है यूनिट वन का आइए यहां पर भी अपने पास में दिया हुआ है कि पोलर फॉर्म में एक्सप्रेस करो चलो यहां पर भी मैं कंसेप्ट आपको बता दू अगर जेड बराबर लिखा हो जेड बराबर में जेड बराबर में लिखा हो आयोटा वाई जिसमें रियल पार्ट नहीं है यहां से दो बातें हो सकती है ये पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है अगर आपके पास पॉजिटिव बन रहा होगा पॉजिटिव और निगेटिव पॉजिटिव बन रहा होगा तो इस केस में आप आर्ग्यूमेंट लगाओगे पाई बाय टू आर्ग्यूमेंट कितना लगाओगे पाई बाय टू और निगेटिव बन रहा हो तो आर्ग्यूमेंट लगाओगे कितना माइनस का पाई बाय टू एकदम याद रखना है इससे आपका काम बन जाएगा आसान है बहुत भारी बात नहीं है आप चीजों को सीख सकते हो ठीक है। चलिए ढेर सारी मोहब्बत उन सभी बच्चों का तो ही प्यार है तो हमारे पास जो सर दिया हुआ अपने पास में जेड इज इक्वल टू में माइनस में थ्री आय होता है आप सबसे पहले इसका मॉडल्स निकालो जिसको हम आर के नाम से जानते हैं रियल पार्ट का स्क्वायर रियल पार्ट अपने पास जीरो है सर इमेजरी पार्ट का स्क्वायर नौ नौ का तीन ठीक है आर्ग्यूमेंट खोजने की आवश्यकता नहीं है निगेटिव है पाई बाय टू होगा माइनस का ठीक पार्ट टू की क्लासेस जनवरी में स्टार्ट होगी आप लोग चिंतित ना रहे अभी बस आप अपना सेल्फ पढ़ते रहे इसका पोलर फॉर्म जो है आर की जगह पर थ्री लगाऊंगा और कौन लिखूंगा एंगल में पाई बाय टू फिर प्लस आयोटा साइन एंगल में माइनस पाइवेट सॉरी माइनस पाइवेटू दोनों का एंगल हमेशा सेम रहता है आपको देखने को मिलेगा कि ऑप्शन नंबर ए ही सही है और भी ऑप्शन बनाया जा सकता वैसे कॉस का एंगल माइनस है तो कॉसा बनेगा और कॉस का एंगल माइनस साइन का एंगल माइनसा हो तो माइनस बाहर भी आ सकता है ये काम भी कर सकते हो आप आइए सर एक और क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है कहता है इसको पोलर फॉर्म में एक्सप्रेस करिए यस सर यस सर यहां पर से आप समझ लोगे कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर में अगर दोनों बातें लिखी हो दोनों बातें का मतलब हुआ जेड इज इक्वल टू अगर एक्स प्लस आयोटा वाई है दोनों चीजें लिखी हुई है एक्स और वाई तो आपको समझना यहां पर है कि ये चार केस बना सकता है चार केस बना सकता है अगर आप यहां से चलते हो तो चारों केस को मैं यहां से एक्सप्लेन कर देता हूं आपके आपके लिए देखो जरा ध्यान से चारों केस को मैं सिर्फ आर्ग्यूमेंट के बारे में बात कर लूंगा तो काम चल जाएगा अपना ये हम बात कर रहे हैं यहां पर सर फर्स्ट क्वारन के बारे में फर्स्ट क्वार में हो तब सेकंड में हो तब थर्ड क्वारर में हो तब और फोर्थ क्वार में हो तब फर्स्ट क्वार में हो तो आपको आर्ग्यूमेंट के बारे में बात कर रहा हूं आर्ग्यूमेंट आर्ग्यूमेंट अर्ग्यूमेंट अर्ग्यूमेंट आर्ग्यूमेंट समझना ही काफी है हम्म आर्ग्यूमेंट कितना आएगा इंटीग्रल कैलकुलस 10 तारीख के आसपास में 10 अक्टूबर पर हमारे ऐप पर स्टार्ट होने वाले 10 अक्टूबर के आसपास में स्टार्ट हो जाएगी हमारे ऐप पे 5 10 के बीच में आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा जब फर्स्ट में हो तो अर्गुमेंट अपना आएगा सर ठीटा आर्ग्यूमेंट कितना आएगा सर ठीटा सेकंड में जाएंगे तो पाई माइनस ठीटा थर्ड में जाएंगे तो ठीटा माइनस पाई और फोर्थ में जाएंगे तो माइनस ठीटा ये सारे प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट हैं ये सारे कौन से आर्ग्यूमेंट है सर प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट है इसी पे सारा काम बनता है वैसे एक और होता है लेकिन उसकी आवश्यकता यहां पर नहीं पड़ती है थीटा कहां से मिलेगा सर तो आपको थीटा के लिए यूज करना है टेन थीटा इज इक्वल टू होता है सर मॉडल ऑफ वाइबेक्स ये इसका इस्तेमाल कीजिएगा ये फर्स्ट क्वारंट का एंगल आपको देगा बाद में आप क्वारंट के हिसाब से आर्ग्यूमेंट लिख सकते हैं क्लियर कहानी यस सर इंटीग्रल कैलकुलस का बैच स्टार्ट हो रहा है थोड़ा दिन और वेट कर लीजिए एक सप्ताह और वेट कर लीजिए दस दिन दस दिन वेट कर लीजिए मैक्सिमम इंटीग्रल कैलकुलस का क्लास स्टार्ट होने वाला है चिंता ना करें आइए हमारे <laughs> पास में दिया है सर जन इज इक्वल टू में एक्स वन प्लस में आयोटा आपको समझ में आता होगा कि वन कॉमा वन है इसका मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है में है तो आपको सबसे पहले आर निकालना चाहिए मॉडल ऑफ जेड जो कि रूट अंडर वन प्लस में वन बनेगा यानी कि रूट अंडर टू कह सकते हो आप अब आर्ग्यूमेंट निकाल लो आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए बात करोगे तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड जो होगा उसके लिए आपको टेन थीटा पहले निकालना होगा टेन थीटा बराबर लिखोगे मॉडल ऑफ फाइव अटैक्स मतलब वन अपॉन वन कोई मिला के वन थीटा हो जाता है यहां से फाइव बाई फोर तो आपको यहां विशेष घबराने की आवश्यकता नहीं फर्स्ट क्वार में इतना ही चलेगा सेकंड में जाएंगे तो इतना चलेगा तो यहां से अगर बात करें तो फॉर्म इसका क्या हो जाएगा फॉर्म आर के पर रूट टू, फोर, आप में आयोटा हम नहीं कर रहे हैं यानी कि आपके सामने मेरे ख्याल से बी ऑप्शन इज करेक्ट नहीं नहीं, नहीं सी ऑप्शन क्योंकि रूट टू है सी में अब बी में रूट टू नहीं है थोड़ा सा मुझे भी डरा दिया अच्छा कोई नहीं चलता रहता है ठीक है बढ़िया चलिए भाई इसका फॉर्म पूछ रहा है कोई बड़ी बात नहीं है सबसे पहले अपने पास दिया है। वन में रूट थ्री आयोटा है। आप यहां से समझ सकते हो माइनस वन रूट थ्री है इसका मतलब क्वार में सेकंड क्वार्टर में बैठ गया होगा, होगा तो हम टेन थीटा से थीटा तो निकालेंगे लेकिन पाए माइनस ठीटा लगा देंगे तो पहले यहां पर से आर ही निकाल लो पहले हमने आर ही निकाल लिया मॉडल ऑफ जेड इसका मतलब रूट अंडर वन प्लस में थ्री टू चार का रूट उसके बाद बात करेंगे यहां से का थीटा का आता है हमारे पास में यानी कि से लिख सकते हो वाई बटा एक्स बोले तो रूट थ्री बाई माइनस वन लेकिन मॉडल में है तो रूट थ्री लिख लो ठीटा का वैल्यू अपने पास आ जाएगा रूट थ्री का मतलब पाई बाइ थ्री हो जाता है लेकिन इतना ही पार्ग्यूमेंट मत बोल देना क्या करना यहां पर सेकंड क्वार में चले गए तो अर्गमेंट ऑफ जेड जो हो जाएगा अपना वो हो जाएगा पाई माइनस थीटा यानी कि पाई माइनस पाई बाई थ्री अभी मैंने ट्रिक बताया पिछला पेज में उसको राइट डाउन कर लीजिए अच्छे से बहुत काम का है या जाता है टू पाई बाई थ्री अब यहां से डायरेक्टो तो आप लिख सकते हो वैसे मैं लिख देता हूं मतलब डायरेक्ट ऑप्शन भी खोज सकते हो लेकिन मैं डायरेक्ट यहां पर आंसर लिख के बताता हूं आर आर कॉस आर कॉस आर्ग्यूमेंट आर हो गया अपने पास में सर थ्री कॉस आर्ग्यूमेंट का मतलब हो गया सर टू पाई बाई थ्री प्लस में आयोटा साइन आर्ग्यूमेंट यानी कि टू पाई बाई थ्री बन रहा है ऑप्शन मिला लो कौन सा बन रहा है ऑप्शन 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 बी ऑप्शन यस, यस सर। अरे, मैंने रूट थ्री लिख दिया सॉरी ये तो टू होगा मैंने ये देख लिया वो था ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट सही है आगे बढ़िए कहता है मॉडल ऑफ जेड बताओ कॉम्प्लेक्स नंबर अपने पास में दिया हुआ है जेड इज इक्वल टू मे टू प्लस में रूट अंडर माइनस फाइव है माइनस फाइव को आप लिख सकते हो यहां पर रूट अंडर फाइव और माइनस के लिए आयोटा लगा सकते हो बहुत बढ़िया यहां पर जो है इसका मॉडल पूछ रहा आपसे तो कोई बड़ी बात नहीं है सर रियल पार्ट का स्क्वायर दो का स्क्वायर चार लगाऊंगा इसका स्क्वायर पांच लगा दिया चार पांच नौ हो गया नौ का रूट तीन होता है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये ठीक है आइए अपने पास में कहता है ये जो कंप्लेक्स नंबर दिया है इसका मॉडल्स बताना आपको जो कॉम्प्लेक्स नंबर अपने पास में दिया हुआ है जेड इज इक्वल टू में थ्री आयोटा माइनस का वन का स्क्वायर लगा रखा है hmm. मैंने तो कहा क्लास स्टार्ट करूंगा लेकिन जनवरी में अभी बिल्कुल नहीं तो आपके कहने से बाय फोर्स करने से हम क्लास स्टार्ट नहीं कर सकते हैं हम कहीं किसी और क्लासेस में भी व्यस्त हैं हमारी और भी क्लासेस चलती है तो हमें उस पर भी कॉन्सेंट्रेट करना होता है तो इसीलिए आपके कहने से अभी स्टार्ट नहीं होगी आप वेट करिए जनवरी में स्टार्ट होगी पार्ट टू पार्ट थ्री की दोनों क्लासेस इसका मॉडल पूछने का मतलब हो गया सर मॉडल ऑफ थ्री आयोटा माइनस वन का स्क्वायर का मॉडल आप ऐसे लिख रहे हो ओके सर मॉडल का नेचर होता है भैया पावर ऊपर फेंक सकते हो थ्री आयोटा माइनस में वन इसका मॉडल लगा दोगे तो हमारे पास जो है ये हो जाएगा थ्री का स्क्वायर नो वन यानी कि आप लिख सकते हो दस ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट है आप कंफ्यूज भी हो सकते रूट दस भी होगा नहीं स्क्वायर खत्म हो गया रूट से ठीक है भाई तो आज के सेशन में इतना ही रखेंगे अगर आप सभी को इस क्लास का पीडीएफ नोट चाहिए तो आप हमारे ऐप ठाकुर सर मैथ्स को डाउनलोड करें और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए टेलीग्राम चैनल का भी लिंक और ऐप का लिंक दोनों डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है तो वहां से जुड़ जाए इसका पीडीएफ नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएगा बिल्कुल फ्री चलिए आज के लिए इतना ही बाय बाय घर पर ही मुस्कुराते रहिए और नए बच्चे जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितने सारे बच्चे हम इस वीडियो को देख रहे हैं वीडियो को लाइक जरूर करते जाइएगा आपके लिए काफी मेहनत किया जा रहा है बाय बाय